हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज सूडो फोर्स का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कैसे हैंडल करेंगे। सूडो फोर्स पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस फ्रेम क्या कहता है बेटा? ये रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम माना जाएगा जो फ्रेम या तो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। ये फ्रेम किस पे होगा? रेस्ट पर। मतलब फ्रेम क्या होता है? जहां पर ऑब्जर्वर है। फ्रेम किसको बोलते हैं हम? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पर क्या बैठा है? ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा या फिर और मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता होगा, ठीक है? कौन? ऑब्जर्वर कह सकते हो या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या होगा, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा जिसका? नॉन जीरो, ठीक है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज डायरेक्टली वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, ठीक है? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। इनको वैलिड कराया जाता है, इनको वैलिड कराया जाता है कुछ एक वर्चुअल फोर्स से, किसी वर्चुअल फोर्स से इन सब न्यूटन लॉज को क्या कराया जाता है? वैलिड कराया जाता है। किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना? These laws or make valid बनाया जाता है by some virtual force। एक ऐसे force है जो reality में लग नहीं रहा, ऐसा force लगाया जाता है जो reality में नहीं लग रहा, ठीक है ना? अभी बताऊंगा क्या है, उससे valid कराया जाता है Newton's laws को। और इसी virtual force को हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स बोलते हैं। इसी वर्चुअल फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सूडो फोर्स बोलते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, अर्थ, अर्थ जो है वो डाला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अर्थ इज अज्यूम टू बी एट, अर्थ इज अज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? अर्थ तो क्या माना जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा बेटा, पक्का? कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। ये सब आपको पता होना चाहिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको सूडो फोर्स क्या होता है। क्या हुआ? सूडो फोर्स, देखो ध्यान से, सूडो फोर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है, मैं एक आसान सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, जिससे आपको सूडो फोर्स एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ऐसे समझो कि एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी है। यहाँ पे किसे पड़ी है? ये बॉडी है हमारी, ये रेस्ट पे पड़ा है। ये ब्लॉक दिख रहा है आपको? ये ब्लॉक किस पे पड़ा है? रेस्ट पे। एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है? अब बताऊंगा न्यूटन लॉ कैसे वैलिड है और कैसे वैलिड नहीं है नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है? मैंने तीन फ्रेम ले लिए, एक फ्रेम तो ले लिया, ये रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट पे। ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट पे। दूसरा फ्रेम, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। क्या है ये? कॉन्स्टेंट है। ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंट स्पीड से उधर मूव कर रहा है। और तीसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम ये है कि ऑब्जर्वर एक्सिलरेट हो रहा है। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है बेटा? एक्सिलरेट हो रहा है इधर। ये कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। ये कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। ये कैसा फ्रेम हो गया? रेस्ट पे ऑब्जर्वर।
कैसा फ्रेम हो गया इनर्शियल? ये ऑब्जर्वर है, कौन है ये ऑब्जर्वर? मैं लिख भी देता हूँ, ये भी ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर है, पक्का? अब कहानी समझते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, ये ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है। ये ऑब्जर्वर देखता है, जब पहली बात मानो, ये ऑब्जर्वर देखता है इसको, तो ये ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे, पक्का। ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ब्लॉक किस पे है बेटा? रेस्ट पे। न्यूटन लॉ वैलिड है। न्यूटन लॉ क्या है? वैलिड। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा बेटा। वो तो mg और n तो लग ही रहा है, वो मना नहीं कर रहा मैं। mg भी लग रहा है यूं तो, और n भी लग रहा है, वो बैलेंस है ना, वर्टिकल तो बैलेंस है, और हॉरिजॉन्टल इसके अकॉर्डिंग इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। सही बात है, क्योंकि रेस्ट पे है। क्या इसके अकॉर्डिंग इस पे कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो न्यूटन लॉज क्या है? वैलिड है, पक्की बात। नेक्स्ट, इस ऑब्जर्वर की बात करता हूँ। ये खुद v स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो इसको क्या लगेगा? ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इसको लगेगा कि ये ब्लॉक, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, इसको लगेगा कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है? v स्पीड से मूव कर रहा है। ये ब्लॉक v स्पीड से क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। n और mg तो है ही है। इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये इधर मूव कर रहा है वी स्पीड से, मैंने इधर बना दिया इसको, पक्की बात है। अब क्या इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके पास कोई एक्सेलरेशन है? नो। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पक्का। क्या इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नो। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, और ना इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पे कोई एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन लॉज यहां भी क्या है? वैलिड है। न्यूटन लॉज यहां भी क्या है? वैलिड है। ओके बेटा, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड में ये ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। बहुत ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट बात आएगी। ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, तो इसको क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक, कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से उधर मूव कर रहा है, पक्की बात। इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से उधर मूव कर रहा है। क्या इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है? हाँ है। किधर है? इस तरफ, लेफ्ट टॉवर्ड। किस तरफ? लेफ्ट टॉवर्ड्स। क्या इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पे कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में? ना। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पे क्या, इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है बेटा। सही बात है, पक्की बात है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन का लॉ कहता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके पास एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इस ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग इसके पास कोई फोर्स नहीं है, इसके मतलब न्यूटन्स लॉज यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज यहाँ पर वैलिड नहीं है, तो अब न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए क्या कहा जाएगा? बहुत ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये एन है, ये एम जी है, वो तो है ही है नेट फोर्स। ये ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। इसको लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। रियलिटी में तो ब्लॉक रेस्ट पे ही है, रियलिटी में अगर देखा जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे। लेकिन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कहा जाता है न्यूटन लॉ वैलिड कराने के लिए कि एक फोर्स मान लो इस ब्लॉक पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, उस फोर्स को बोल दो स्यूडो फोर्स। फोर्स क्या है? वो स्यूडो फोर्स है, और वो कितना है? मास। वो स्यूडो फोर्स कितना है? मास। किसका? इस ब्लॉक का। इनटू एक्सेलरेशन किसकी? फ्रेम की, रेफरेंस फ्रेम की, और उसका क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक वर्चुअल फोर्स है
एक वर्चुअल फोर्स अपनी मर्जी से मान लो आप, और वो वर्चुअल फोर्स क्या होगा? वो वर्चुअल फोर्स होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट का नेगेटिव, का नेगेटिव। देखो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम किधर है? ए इधर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम किधर है? ए इधर, पक्का। और इसके पास, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? इधर, यानी माइनस ए आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस ए वेक्टर आ रहा है। माइनस ए वेक्टर, इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है, और इस पे एम कितना है, इसका मास कितना है? एम। तो रियलिटी में एक्चुअली अगर देखा जाए, इसके पास एक्सेलरेशन है, इसका पास मास है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसको लेके जाने के लिए। तो फोर्स कितना होगा? एम ए वैक्टर, माइनस एम ए वैक्टर। अगर ए इसको बोल, ए वैक्टर इसको बोल रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा? अगर ये ए वैक्टर है तो ये क्या है? माइनस ए वैक्टर है। ये क्या है? माइनस ए वैक्टर। तो माइनस ए वैक्टर इंटू एम, माइनस ए वैक्टर इंटू एम क्या होगा? स्यूडो फोर्स होगा, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स लेके जा रहा होगा। अगर न्यूटन लॉ वैलिड कराने हैं, न्यूटन लॉ वैलिड कराने का मतलब अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पास क्या रहा होगा? फोर्स जरूर रहा होगा, तभी तो उसके पास एक्सेलरेशन है। अगर फोर्स रहा होगा तो फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है। अब फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर था, बॉडी को इधर मिला, तो माइनस है इसलिए लगा रहा हूँ मैं, और मास से मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है। अब न्यूटन लॉ वैलिड हो गए, स्यूडो फोर्स लगाने से न्यूटन लॉ वैलिड हो गए। लेकिन स्यूडो फोर्स जैसा कोई फोर्स है क्या? क्या रियलिटी में इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। रियलिटी में तो ये चल रहा है सिर्फ, ये तो ब्लॉक ऐसे है रेस्ट पे है, ये ब्लॉक तो ऐसे रेस्ट पे है, और ये ऑब्जर्वर चल रहा है, ये ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेशन चल रहा है, तो इसको लग रहा है ये इधर एक्सेलरेशन चल रहा है। अब ये एक्सेलरेशन इधर चल रहा है, लेकिन इसको चलाने के लिए रियलिटी में कोई फोर्स है नहीं, समझे? क्योंकि रियलिटी में तो किस पे? ग्राउंड के फ्रेम में, रेस्ट पे, इसको लग रहा है ना चलता हुआ ये। इसके अकॉर्डिंग इस पर क्या है? एक वर्चुअल फोर्स है, वो वर्चुअल फोर्स ही सूडो फोर्स है, और वो है कितना? मास इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यही सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सूडो फोर्स डिटेल में समझाने के लिए। देखो इधर, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक लिफ्ट है। क्या है बेटा ये? लिफ्ट। ये ब्लॉक रखा है लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर क्या रखा है? ये ब्लॉक रखा है मास का, और ये ऑब्जर्वर है। किस पे है? रेस्ट पे है। किस पे है बेटा? रेस्ट पे। और लिफ्ट भी किस पे है? रेस्ट पे। लिफ्ट भी किस पे है? रेस्ट पे। ग्राउंड के फ्रेम में लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे, ठीक है ना, पक्का। अब मुझे बताना है कि ये ब्लॉक ने इस लिफ्ट को किस फोर्स से दबा रखा है, ब्लॉक ने लिफ्ट को किस फोर्स से दबा रखा है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। देखो इधर क्या करेंगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आप सब जानते हैं, ठीक है? ये ऐसे बनाएंगे, नीचे क्या लगेगा? mg। इसने लिफ्ट को दबाया किससे? n से। इस एक्शन का रिएक्शन क्या लग जाएगा? n, बोलो, सही है। तो n किसके ऊपर होगा अगर ये रेस्ट पे है? तो लिफ्ट रेस्ट पे है, तो n किसके ऊपर होगा? mg के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है एकदम, पहले से ही जानते थे हम। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट केस हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट केस। सेकंड केस करते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखा करो चीज़ों को। मैंने क्या किया, ये लिफ्ट ग्राउंड के फ्रेम में अब भी रेस्ट पे है, ठीक है ना? दो बंदे हैं, एक ग्राउंड पे बैठा है ना, पक्की बात है। लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे। अब ये बंदा भी ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है। लिफ्ट क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ब्लॉक का लिफ्ट के अंदर, ब्लॉक का लिफ्ट के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये क्या लग रहा है नीचे? एम जी। दबाया किस से? एन से। तो ऊपर क्या लग रहा है? एन, सही बात है। तो एक ऑब्जर्वर ये मान लो ऑब्जर्वर वन, और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर मान लो,
एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर, मान लो ऑब्जर्वर टू, ठीक है, और लिफ्ट क्या जा रही है, वी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो दो ऑब्जर्वर हो गए, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, पक्का, और लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। चलो अब सबसे पहले बात करो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, ऑब्जर्वर वन को क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अरे देखो ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इसको क्या लग रहा है ये ब्लॉक, ये ऑब्जर्वर क्या लग रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, किस फोर्स से, एन, रोकने वाला कौन है, एम जी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जीरो है बेटा। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक क्या कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो एन किसके बराबर आ गया, एम जी के आ गया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर टू, देखो ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर टू तो खुद लिफ्ट में है, ऑब्जर्वर टू किस में है, लिफ्ट में, तो ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर टू ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे होने की वजह से ब्लॉक पे ऊपर क्या लग रहा है, एन, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी, बराबर होंगे, देखो सेम आ रहा है, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। थर्ड पॉइंट लेते हैं इसका, हम इसका हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि दो ऑब्जर्वर लेंगे, एक लिफ्ट के अंदर और एक ग्राउंड पे, और लिफ्ट चलेगी इस बार ए एक्सेलरेशन से, देखो ध्यान से, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, एक ऑब्जर्वर ये है ऑब्जर्वर वन, और एक ऑब्जर्वर ये है लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर टू, पक्का। सबसे पहली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, देखो ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे क्या है, एम जी, नीचे क्या लग रहा है, वेट, दबाया किससे, एन से, ऊपर क्या लग रहा है, एन, और ये ए एक्सेलरेशन, देखो ध्यान से, तो ऑब्जर्वर वन के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर वन के अकॉर्डिंग, ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा, इसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक को ऊपर लेके जाने वाला कौन है, एन, ब्लॉक को रोकने वाला कौन है, एम जी, इसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए, मास इंटू ए, तो एन कितना आ गया, एम जी प्लस एम ए, कितना आ गया, एम जी प्लस एम ए, बोलो समझ में आया, समझ में आया इतना। अब ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग, अब कहानी देखो क्या होने वाली है, अब कहानी क्या होने वाली है वो देखते हैं, ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा लिफ्ट, ये आ गया हमारा ब्लॉक, इस पे लग रहा है एन, नीचे लग रहा है एम जी, और ये रहा मेरा ऑब्जर्वर टू, और ये है एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हाँ जी बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर टू एक्सेलरेटेड है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ऑब्जर्वर टू एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर न्यूटन लॉ वैलिड कराने हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्चुअल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वर्चुअल फोर्स क्या होगा, किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा, और क्या होगा, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन का अपोजिट, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन का अपोजिट। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर टू एक्सेलरेटेड है ए से, तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है स्यूडो फोर्स, माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, होता है कि नहीं होता है, बोलो, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन है ऊपर, फ्रेम का एक्सेलरेशन है ऊपर, तो सुडो फोर्स लगेगा नीचे, कहाँ लगेगा, नीचे, और मैग्नीट्यूड में कितना लगेगा, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस पर एम जी तो लग ही रहा है,
साथ ही साथ इस पे एम ए भी लग रहा है, और ये एम है सूडो है, एम ए क्या है सूडो, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने एम ए। अब कहोगे नेगेटिव कहाँ गया, फ्रेम तो ऊपर जा रहा है ना, तो मेरे फोर्स कहाँ लगाया है, नीचे अपने आप आ गया वो नेगेटिव। बेटा फ्रेम कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है फ्रेम, और उसके आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, तो नीचे ही तो लगाया मैंने, समझ में आई। अब इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर है, ये ब्लॉक खुद लिफ्ट के अंदर है, इसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो एन किसके अबर होगा, एम जी प्लस एम ए, देखो सेम आ गया आंसर के नहीं आ गया, जो इनर्शियल फ्रेम में आया था वही आंसर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, जो आंसर इनर्शियल फ्रेम में आया था वही आंसर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। न्यूटन लॉ वैलिड हो गए, किस कारण से वैलिड हुए, स्यूडो फोर्स लगाने की वजह से, किस कारण से वैलिड हुए, स्यूडो फोर्स न्यूटन्स लॉ को वैलिड कर देता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, स्यूडो फोर्स क्या करता है, न्यूटन्स लॉ को वैलिड कर देता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। फोर्थ देखो, एक फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या करते हैं हम, इसको नीचे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको नीचे हटा देते हैं इसको एक बार, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है, एक्सीलरेशन कहाँ जा रहा है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, एक फोर्थ केस और मान लो, देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन, ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है, और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है नीचे, ठीक है, दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर तो ये है ऑब्जर्वर टू, और एक ऑब्जर्वर ये है ऑब्जर्वर वन, पक्का, ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, ये ऑब्जर्वर जीरो एक्सेलरेशन का, ये इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, पक्का। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में करेंगे तो ऑब्जर्वर वन, ऑब्जर्वर वन इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक पे नीचे लग रहा है वेट एम जी, लिफ्ट को दबाया एन से, ब्लॉक पे लग रहा है एक्शन का रिएक्शन एन, लिफ्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से नीचे, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, हाँ जी, इस ब्लॉक को इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग नीचे लेके जाने वाला कौन है एम जी, इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोकने वाला कौन है एन, ब्लॉक का मास एम, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है ना, तो एन कितना आ गया, एन आ गया एम जी माइनस एम ए, मतलब ब्लॉक ने लिफ्ट को किस फोर्स से दबाया, एम जी माइनस एम ए, ये निकला ऑब्जर्वर वन के अकॉर्डिंग। ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग, हाँ जी, ये है हमारी लिफ्ट, ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, ये है ब्लॉक, ब्लॉक पे नीचे लग रहा है वेट, ब्लॉक ने दबाया एन से, ऊपर लग गया एन, हाँ जी, अब देखो ये ऑब्जर्वर टू, हाँ जी, ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर टू इज एक्सेलरेटेड, तो क्या लगेगा ऑब्जेक्ट पे या ब्लॉक पे, क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स, नेगेटिव ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, बोलो पक्का, हाँ जी, इस फ्रेम का, फ्रेम कौन होता है, जहां पे ऑब्जर्वर होता है वो फ्रेम, यानी ऑब्जर्वर किस एक्सेलरेशन से नीचे, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए से, कहां, डाउनवर्ड, कहां मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो एक नेगेटिव लगा दिया, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, अपवर्ड, सूडो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड, और कितना लगेगा, कितना लगेगा, मास इसका और फ्रेम का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए नीचे है तो अपवर्ड लगेगा ना, माइनस ए ऊपर, और ये क्या होगा, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ही बता दी मैंने,
फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव ऑफ फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है सूडो फोर्स। तो ऑब्जर्वर टू के अकॉर्डिंग क्या ब्लॉक मूव कर रहा है? देखो ब्लॉक किसमें? लिफ्ट में। और ऑब्जर्वर किसमें? लिफ्ट में। तो ऑब्जर्वर टू अकॉर्डिंग ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो ऊपर वाला कौन है? एन प्लस एम ए, और नीचे वाला कौन है? एम जी। तो एन कितना आएगा? एम जी माइनस एम ए। एन कितना आएगा? एम जी माइनस एम ए। और इनर्शियल फ्रेम से भी यही आंसर आया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी यही आंसर आया। क्यों आ पाया? क्यों आ पा रहा है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम से सेम आंसर क्यों आ पा रहा है? इस सूडो फोर्स की हेल्प से। अगर सूडो फोर्स लग रहा है तो न्यूटन लॉज वैलिड है। अगर ये सूडो फोर्स सोचो ना लग रहा होता, अगर यहाँ पर एन एम जी रहता तो क्या न्यूटन लॉ वैलिड होता? नहीं, गलत हो जाता। क्या होता? गलत। समझ में आया? मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, आपके लिए इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ। ये क्या है? 4m मास का एक बिगर ब्लॉक है, ठीक है, पुली से अटैच है। पुली के एक तरफ थ्रेड है और एक तरफ थ्रेड है, ए ब्लॉक है एक तरफ, बी ब्लॉक है। ये ब्लॉक मास m है, ये ब्लॉक मास 2m है, और खुद बिगर ब्लॉक 4m मास का है, ठीक है। सवाल ये है कि मैं कितना फोर्स लगाऊँ, कि मैं कितना फोर्स लगाऊँ बड़े वाले ब्लॉक पे, बड़े वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ कितना फोर्स लगाऊँ कि ए और बी बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर ना चले, बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर ना चले। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स ए एंड बी विल रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, मतलब बिगर ब्लॉक के ऊपर चिपक के चले, तो बड़े वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके होंगे, एक इनर्शियल फ्रेम में कर सकते हो, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर सकते हो। सबसे पहला मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करा के दिखाता हूँ, फिर इनर्शियल से भी करा दूंगा चाहे, ठीक है। अब ध्यान से ध्यानपूर्वक देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जो फ्रेम एक्सेलरेट है उसके ऊपर, है ना। तो फ्रेम एक्सेलरेट, खुद ये ब्लॉक है बिगर ब्लॉक, तो इसके ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दो। ये बैठ गया, ये बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया इसके ऊपर। अब एक काम करो, ये बड़े वाला ब्लॉक चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, चल रहा है, सही बात है। ध्यान से देखो, अब बड़े वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो सूडो फोर्स लगेगा उन बॉडीज के ऊपर। सूडो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो, अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है तो सूडो फोर्स लगता है कैसे? लगता है फ्रेम के एक्सेलरेशन से अपोजिट। तो दो बॉडीज हैं यहाँ पे, m और 2m, दोनों पे लगेगा। एक इधर लगेगा इस पे, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। एक इस पे लगेगा इधर, मास इनटू 2m, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। अपोजिट लग गया दोनों पे, इस पे नीचे वेट लगेगा 2mg, इस पे लगेगा टेंशन t, टेंशन t, टेंशन t, टेंशन t। पक्का सही है बेटा? नीचे इस पे एम जी लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ऊपर एक्शन का रिएक्शन एन वन लगेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखो, अभी इसने इसको दबाया, अरे टच है ना, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की वजह से क्या करता है, दबाता है। तो इसने इस वाले को दबाया किधर, ऐसे एन टू से, तो इस एक्शन का रिएक्शन इस पे क्या लगेगा, इधर एन टू। सही है, पक्का एकदम ठीक है, सारे फोर्सेस लग गए जो लगने थे, ठीक है। अब बड़े वाले ब्लॉक को, इसको देखो 2m को, 2m को, अब 2m चल रहा है क्या? इसके अकॉर्डिंग 2m चल रहा है? इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या 2m चल रहा है? नो, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ऊपर बराबर नीचे, t बराबर 2mg, और दाएं बराबर बाएं, n बराबर n2 बराबर 2m। बोलो समझ में आया? नीचे बराबर ऊपर, दाएं बराबर बाएं, नहीं चल रहा ना। इसके अकॉर्डिंग क्या ये चल रहा है? नहीं चल रहा। तो m के लिए t बराबर m है, और ऊपर नीचे ही बराबर, n1 बराबर mg। पक्का सही है। अब बड़े वाले को देख लो, बड़े वाले को, बड़े वाले को देख लो, बड़े वाले को देख लेते हैं बाहर से, बड़े वाले को देख लेते हैं ग्राउंड से, ठीक है ना। बड़े वाले को आगे की तरफ चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ, 4m को आगे की तरफ चलाने के लिए एफ रिस्पॉन्सिबल है। रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बड़े वाले ब्लॉक को कौन रोक रहा है? ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक,
बताओ मुझे कौन रोक रहा है इसको आगे जाने से? एक तो रोक रहा है N2, एक ये टेंशन भी तो रोक रही है। क्यों रोक रही है ये टेंशन? ये टेंशन कैसे रोक रही है? ये टेंशन पुली से कनेक्ट है और पुली ब्लॉक से कनेक्ट है, बड़े वाले ब्लॉक से कनेक्ट है। तो पुली पे इधर लग रहा है एक किस्म से, बड़े वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा है। अरे बोलो ना। तो चलाने वाला F, रोकने वाला कौन? N2 और ये वाला T, ठीक है। N2 और T चलो इज इक्वल टू मास 4m एक्सेलरेशन A। पक्का मास 4m एक्सेलरेशन A, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। बोलो बेटा कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो T आ गया 2mg और 2mg यहाँ लगाओ, देखो ध्यान से, T आ गया 2mg, 2mg और T MA भी है, A2g आ गया ना, A कितना आ गया 2g। अब A2g आ गया, N2 कितना है? N2 2MA है। देखो ध्यान से, इधर लगाऊंगा F माइनस N2, N2 कितना है? N2 है 2MA और A2g है तो 4MG हो गया, 4MG। T कितना भी बताया, T 2MG है इज इक्वल टू 4M। A कितना है? A2G है तो 2G है तो 8MG हो गया, तो बस खत्म हो गया 8, ये दोनों 6 हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। कितना फोर्स आ गया? 14MG का फोर्स लगेगा। तो ये ब्लॉक, छोटे ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक क्या रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। ये मैंने किया इस पे बैठ के। पूरा क्वेश्चन अगर मैं बाहर खड़ा होए करता, पूरा क्वेश्चन अगर मैं इस पे बैठ के ना करता, बाहर खड़ा होए करता, तब भी आंसर सेम ही आता। कैसे करके दिखा देता हूँ। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, पहले ये बता दो समझ में आ गया? ओके बेटा, अब हम इसको करेंगे ग्राउंड के फ्रेम में। पूरे क्वेश्चन को किस पे फ्रेम में करेंगे? ग्राउंड के फ्रेम में। अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड रेस्ट पे, यानी को अब कोई सूडो फोर्स वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये बड़े वाला ब्लॉक एक एक्सेलरेशन चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि बड़े वाले के ऊपर छोटे वाले नहीं चल रहे, चिपके हुए हैं। बड़े वाले के ऊपर छोटे वाले दोनों चिपके हुए हैं एक किस्म से। तो इस पे बैठे हुए बंदे को क्या लगेगा कि अगर बड़े वाला ए से जा रहा है तो ये भी किससे जा रहा है? ए से जा रहा है। और ये भी आगे किससे जा रहा है? ए से जा रहा है। अरे बोलो, चिपके हुए हैं ना इसके ऊपर, ये दोनों इसके ऊपर चिपके हुए हैं। तो इस बंदे को क्या लगेगा कि ये दोनों किससे जा रहे हैं? आगे ए से जा रहे हैं। अगर ये सीधी सी बात है यार, अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इसके सामने से एक गाड़ी निकल के जाती है 2 की स्पीड से, तो इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हर आदमी 2 से जा रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हर आदमी किस स्पीड से जा रहा है? 2 की स्पीड से जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस ब्लॉक पर बैठे हुए सारी चीज़ों का एक्सप्रेशन क्या है? ए है, ठीक है। अच्छा, इसने इसको दबा तो रखा है, कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, तो इसको दबा रखा है एन से, तो इस एक्शन का रिएक्शन लग गया इस पे एन, सही है। 2mg T, सही है, पक्का, और तो कुछ नहीं है ना। अब देखो, सबसे पहले 2m को, 2m क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है? हाँ चल रहा है, चिपका हुआ है ना इसके साथ, और ये पूरा कार्ड, ये पूरा बड़ा वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो 2m भी आगे जा रहा है। अब 2m को आगे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? n बराबर 2m, सही है। क्या 2m ऊपर नीचे चल रहा है? नहीं, 2m ऊपर नीचे नहीं चल रहा, चिपका हुआ है ना। अरे ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा, तो t बराबर किसके? 2mg, सही है। 2m का खेल खत्म हो गया। m, क्या M आगे चल रहा है इसके हिसाब से? हाँ चल रहा है। किस सेक्शन से चल रहा है? A से। और किस कौन लेके जा रहा है इसको आगे? इसका मतलब T लेके जा रहा है, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सही पक्का। और वो तो है ही है, mg N1 के बराबर है। mg मान लो, इसने इसको दबाया N1 से तो ऊपर लग गया N1, इसका कोई रोल ही नहीं है, लगा दो चाहे N1 mg के बराबर, ठीक है ना। अच्छा बहुत सुंदर। बड़े वाले को आगे लेके जाने वाला कौन है? F। रोकने वाला कौन है? ये वाला T।
ये वाला एन बड़े वाले का मास 4m एक्सेलरेशन है। ध्यान से देखो, वही इक्वेशन बन गई जो पहले बनी थी। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात टी टू एम जी तो लगा दो ना, 2mg एफ माइनस 2mg एन 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 2m है। अच्छा टी 2mg है, टी एम ए भी है, तो 2mg एम ए है, तो ए 2g है, ए 2g है, तो एन 4mg है। एन कितना है? 4mg, 4m, ए कितना है? 2g अभी बताया। एफ माइनस 6, वही इक्वेशन आगे देखो, इज इक्वल टू 8mg, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। अरे तो आगे 6, अरे यार ये काम भी करने पड़ेंगे, लो 14mg। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये ग्राउंड के फ्रेम में कर लिया। ओके बच्चों, इसको करते हैं हम। ठीक है, क्या गिवन है? कि वेज गिवन है एम कैपिटल एम मास का, इसके ऊपर एक स्मॉल एम ब्लॉक मास का ब्लॉक है, कहीं फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है हर जगह। आपने फोर्स लगाया है वेज के ऊपर, ये फोर्स कितना लगाएं कि एम स्मॉल एम स्लाइड ना करे वेज के ऊपर? करने के दो रास्ते, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। या तो करो उस बंदे के हिसाब से जो ग्राउंड पे बैठा है, या करो उस बंदे के हिसाब से जो वेज पे बैठा है। तो कैसे करें? वेज पे बैठे बंदे के हिसाब से कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, मैंने पहले ही बता रखा है। वेज पे बैठा है बंदा, बैठ जा, बिठा दो इसको, बैठ जा। अब इसको क्या देखना है? इसने इसको देखना है, क्या ये चल रहा है इसके अकॉर्डिंग? नहीं, ये तो चिपका हुआ है इसके साथ। इस पर बैठ के क्या लग रहा है? ये नहीं चल रहा, बोलो सही बात है, नहीं चल रहा। तो ये पूरा सिस्टम मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अब ये ब्लॉक, ये जो मैन है, ऑब्जर्वर है, ये इस फ्रेम पे है वेज पे, और वेज ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या होगा? मास इंटू फ्रेम का एक्सेलरेशन अपोजिट। तो फ्रेम इधर है तो अपोजिट इधर होगा, तो इधर लगेगा। ध्यानपूर्वक देखा करो चीजों को, एम इंटू ए सही है। इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ग्रेविटी की वजह से जो वेट है, सही है। अब इसके दो कंपोनेंट तोड़ लो और ऐसे कर लो इसको। चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और इधर एम जी का कोस थीटा भी होता है, ये भी बताया आपको, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कोस थीटा होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर क्या है? एम ए का कोस थीटा, और इधर क्या है? इधर एम ए का साइन थीटा। और दबाया इसने किधर? इसको दबाया इधर, किससे? इधर दबाया गया, रेड मार्कर से बना देता हूँ मैं ताकि समझ में आए आपको, अलग से दिखे। एम ए साइन थीटा और एम जी कोस थीटा तो लग ही रहे हैं, प्लस इसने इधर दबाया भी है इसको, एन से इस एक्शन का रिएक्शन ब्लॉक पे भी लग गया है, सही है ना? सही है। अब इसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहा, तो नीचे चलाने वाला बराबर ऊपर रोकने वाला, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कोस थीटा। सत्य बचे, एम ने एम को गिराया, ए आ गया जी टेन थीटा। सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन आ गई, आ गई, आ गई एक्सेलरेशन। ठीक, अब बड़े वाले ब्लॉक को देख लेते हैं एक बार, बड़े वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, गलती मत करना। देखो मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों दूसरे के साथ, ये इसका चिपक क्या हुआ है ना, ध्यान से देखा करो चीजों को। ये ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर वेज, ये इसके ऊपर चल नहीं रहा, तो ये एक ही मास मान लो, एक ही ब्लॉक मान लो इसको, तो इसको चलाने वाला कौन है? एफ। रोकने वाला कोई भी नहीं है पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। एम प्लस एम टोटल मास, एक्सेलरेशन फ्रेम का भी निकाला जी टेन थीटा, यही आंसर आ गया, यही फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपसे एक काम और भी पूछ सकता है कि ये एन की वैल्यू निकालो, ऐसे था ना ये, ऐसे था कुछ,
फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो इसने दबाया इसको ऐसे एन से, इस एक्शन का रिएक्शन ऐसे एन लग गया था ना जो मैंने यहाँ पे बनाए थे छोटे छोटे, ये और ये है ना। तो ये पूछ सकता है एन कितना है, एन कितना है, तो ये एन, अब देखो इधर यही बना देता हूँ ठीक है। ये एन पूछ सकता है, तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ और ब्लॉक वाले फोर्स दिखा रहा हूँ आपको। ये किधर क्या था, एम जी कॉस थीटा था, और एक और था क्या था, एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा था। तो बस ऊपर बराबर नीचे, एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए कितना जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा था ना, इंटू साइन थीटा। एम जी साइंस के थीटा, ये तो चला गया एम जी कॉस के थीटा, एम जी साइंस के थीटा प्लस एम जी कॉस के थीटा, एम जी अपॉन नीचे कॉस थीटा, तो आ गया एम जी बाय कॉस थीटा। यही पूछ सकता था आपसे ठीक है।